हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मखाने की खीर, जो कि इजी है, टेस्टी है और क्विक भी। अभी नवरात्रों के फास्ट चल रहे हैं, व्रत चल रहे हैं, सो इस खीर को नवरात्रों के व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये फलाहार में आता है। लेकिन अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आप भी इसे फलाहार मानते हैं तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। इस खीर को बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू और किशमिश लिए। ये 15 काजू हैं, जिसे मैंने बीच में से काट के दो टुकड़े में कर लिया है। और एक मुट्ठी मैंने किशमिश ली है। 80 ग्राम मखाने लिए हैं। मखाने का एक स्टैंडर्ड साइज़ का पैकेट आता है 100 ग्राम्स का। सो अगर आप वो ले रहे हैं तो मेजर करने में आसानी होगी, उसका 80% आप यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स मखाने के साथ हमें चाहिए होगा दूध, चीनी, घी, जो मैं बनाते हुए आपको बताती जाऊंगी। अब एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई या पैन, और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी और काजू को रोस्ट करेंगे जब तक ये काजू ब्राउन नहीं हो जाते। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही काजू का कलर चेंज होगा, ऐड करेंगे किशमिश और किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए किशमिश को लास्ट में ही ऐड करें। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ, जिसमें हम मखाने को भूनेंगे। अब मखाने को अच्छे से कुरकुरे होने तक रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लगातार इसी तरह स्टर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे जब तक कि मखाने पूरी तरह से ठीक से कुरकुरे नहीं हो जाते। थोड़ी देर भूनने के बाद जब आपको लगे कि मखाने क्रंची हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, सो आप एक टेस्ट करके देख सकते हैं या फिर हाथ से तोड़ के देख सकते हैं। जब मखाने क्रंची हो जाते हैं, जब उसमें क्रंच आ जाता है, तो वो एकदम फूट कर टूटते हैं। इसी तरह मखाने को घी में रोस्ट करके थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के ऐसे ही एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं, टेस्टी भी लगते हैं, और व्रत में है तो सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक मखाने स्नैक की रेसिपी भी शेयर करी है, जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रही है आई बटन पे, सो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक प्लेट में, और अब इसे ठंडा करके हम मिक्सी में दर दरा सा पीस लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मिक्सी में पीसना है। इसका पाउडर हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, दर दरा रखेंगे। बस मिक्सी के जो ये पल्स मोड है, इसमें 2-3 बार जुम जुम करेंगे इस तरह से। और ये देखिए, आधे टूटे फूटे से हैं और कई सारे मखाने तो टूटे भी नहीं है, साबुत ही रह गए हैं। बस हमें ऐसा ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। अब हम मिल्क बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, और मैं मिल्क अभी इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये दोनों काम ही एक साथ हो सकते हैं। गैस की एक तरफ मिल्क बॉईल होने के लिए रखें और दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट्स और मखाना को रोस्ट कर सकते हैं, जिससे इसमें बहुत ही कम समय लगता है, ये खीर बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और हमें कच्चा दूध मखाना में नहीं मिक्स करना, अलग से पहले दूध हमें बॉईल कर लेना है और फिर ही मखाना के साथ मिक्स करना है। अब जब ये दूध बॉईल हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम रिड्यूस कर देंगे और थोड़ा सा इसे और पका लेंगे। मैं ये सेम ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, और ये क्रश करे हुए जो मखाना है इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर आपकी कढ़ाई जल गई है, नीचे से लग गई है पहले रोस्ट करते टाइम, तो आप कढ़ाई चेंज कर लें। अब इसमें डालेंगे बॉईल करा हुआ मिल्क। शुरू में गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जब तक कि एक बॉईल नहीं आ जाता। एक बॉईल आ जाने के बाद गैस का फ्लेम रिड्यूस कर देंगे। मीडियम हीट पे मिल्क को तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस नहीं हो जाती। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर, लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अब ऐड करेंगे हाफ कप शुगर। अगर स्पून से मेजर करें तो ये 9 टेबल स्पून शुगर है और ये है टेबल स्पून का साइज़। बट आप शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल्क काफ़ी थिक हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है, सो इट्स डन। अब इसमें डालेंगे रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए निकाल लिए हैं, बाकी सब मैंने डाल दिए इसमें। ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं, अ पिंच ऑफ इलायची पाउडर एंड बस इट्स डन। ये खीर ठंडी होने के बाद थोड़ी और थिक होती है, सो मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर रही हूँ। इस खीर को आप गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा भी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे सर्व करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टैप द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो सी यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर रेसिपी। अनटिल टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।